साहब को याद करने का मौका आपने दिया, क्या कहना चाहोगे? आपने शुभकामनाएं दी सुनील, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ी साहब को कौन याद नहीं करता, जो ज़रा सा भी संगीत का शौक़ रखता है वो रफ़ी साहब को। और ये पहली बार नहीं, ये अलग बात है कि हमने पहली बार किया, हमने पहली बार किया, वरना उनकी याद में ना जाने कितने प्रोग्राम होते रहते हैं, कितनी याद करते हैं लोग उनको। वो बेशक महान गायक थे और हमने इस बार सोचा कि उनको याद किया जाए, और हमारी पसंद है एज ए, क्या उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब हम तो बहुत छोटे लोग हैं कि उनके बारे में कह ही नहीं सकते, बड़े बड़े नौशाद जैसे लोगों ने उनके बारे में कहा है। और बस और आपके कार्यक्रम में मैंने एक बात सुनी कि एक व्यक्ति थे जो उनके घर पे तवाफ करके आते थे, मगर हमने आज जिस तरह से सेंटा क्रूज की जो सेंटा क्रूज चौक की पुलिस स्टेशन के बाहर जो कब्रिस्तान है उसकी खस्ता हालत हमने रफीक साहब के मजार की देखी है, हमें बहुत ख़राब लगा। किस तरह से आपको ऐसा लगता है कि महानगर पालिका की जो नुमाइंदे है उस कब्र के ऊपर इतने बड़े बड़े फनकार है, उनकी कब्र की देखभाल करने में क्यों सक्षम नहीं है? देखिए ऐसा है कि इससे महानगर पालिका का कोई लेना देना मुझे नहीं लगता, क्योंकि कब्रिस्तान की जो देखभाल है वो वहाँ की जो ट्रस्ट है वही करती होगी। अब ये उनकी लापरवाही है, अगर बीएमसी के अंडर है तो वो उनकी लापरवाही, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि सुंदर तरीके से है। हाँ, कब्रिस्तान की खस्ता आज हमने देखी, बरसात इतनी होने के बावजूद भी हमने दर्शन लेने के गए थे, मगर दर्शन लेने के वक्त काफ़ी खस्ता हालत देखी, कब्र की हालत देख के हमें खुद को ख़राब लगा। ये तो आपका प्यार है कि आपको ख़राब लगा, अब मुझे भी सुन के ख़राब लग रहा है। इतने बड़ा व्यक्ति जिसे लोग, वो लोगों के दिलों में बसा हुआ है, वो एक कब्र उनके मिट जाने से अगर कोई मिटाना सकता है, मिटा सकता है उसको, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मिट जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो तो दिलों में राज करते हैं। और अगर ये हो रहा है तो ये लापरवाही है कब्रिस्तान जो जिनके अंडर है, जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट इसके लिए जिम्मेदार है। आपको कौन सा ऐसा दिल को छूने वाला गाना था जो आप हर बार गुनगुनाते रहते हैं, दो वर्ड आपको सुनना चाहते हैं? ऐसा है कि रफ़ी साहब का तो मैं क्या कहूँ कि हर चीज़ मैं तो बहुत गुनगुनाता हूँ उनका, फिर भी अचानक तुमने कहा तो एक चीज़ गुनगुना देता हूँ। ये फिल्म हकीकत से है। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ के बिठा लेगी मुझको। आगे भी लाइन है लेकिन ये किस तरह से आते बार और अच्छी तरह से, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर हो सके। ये पहला हमारा तजुर्बा है और इसमें शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर गौर करना पड़ेगा कि कहाँ कोई कमी रह गई, अगर कोई कमी रह गई है, कमी तो रही है, इसमें कोई बात नहीं, आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। क्या नहीं, देखिए संदेश तो मैं क्या देना चाहूँगा, मैं संदेश तो इसमें कोई बात नहीं, बस हम तो रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं और हम नहीं करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में हैं, बस उनकी याद बाकी रहे और लोग उनसे प्यार करते रहें, उनके गीतों को याद करते रहें, यही हमारी बस तमन्ना है और लोगों से इल्तिजा है कि रफ़ी साहब को ना भूलें, वरना हम अपने इतिहास भूल जाएंगे, ख़ास तौर से फिल्म लाइन हिंदी समाचार। फिल्म में उनके गानों को मरोड़ तोड़ के आज पेश किया जा रहा है, कितना कैसा लगता है? नया ज़माना है, नए लोग, ठीक है, रफ़ी साहब का नाम तो हो रहा है उसमें भी। अच्छा। इस अंदाज से लेना चाहिए, नया है, हर दौर में बदलाव है, बदलाव होना ही चाहिए। अब ये बदलाव हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना रफ़ी साहब के तो नहीं ना, लोगों को पता है कि ये रफ़ी साहब की चीज़ है तो उनका नाम हो रहा है। हाँ, इस तरह से याद किया जा रहा है, ये याद है, नई पीढ़ी इस तरह से याद करेगी, तो अपना अपना तरीका है, बस याद रहें। शुक्रिया, शुक्रिया। देखिए कि एक भारत देश के एक महान फनकार जिसको आज भी सुनो तो लगता है कि हमारे बीच में ही हैं, एक बहुत महान शख्सियत थी हम लोगों के बीच में, जो वक्त से पहले हम लोगों को छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी जो कला है वो आज भी हम लोगों के बीच में जिंदा है और बहुत
सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जगहों पे जो इस तरह से इसी तरह के कार्यक्रम आज के दिन आयोजित करके अपनी श्रद्धांजलि उनको याद कर करके देते हैं। वैसे तो हर दिन उनके गाने जो शौक रखते हैं उसका वो हर दिन उनके गाने सुनते हैं और सुन के उनको याद करते ही रहते हैं, लेकिन आज के दिन पे खास तौर पे कई जगहों पे पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मोहम्मद रफ़ी साहब को हम लोग याद करके अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और बार बार ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर उनको भेज दीजिए। आज भी उनको चाहने वाले उनको ढूंढते हैं। इसी कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने स्पेशल मुझे रिक्वेस्ट की कि संजय ठाकुर से प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते भारत रत्न की केंद्र सरकार से मांग होनी चाहिए, ऐसी मांग रखिए। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि किस तरह से आप केंद्र सरकार को भारत रत्न घोषित हो मोहम्मद रफ़ी साहब। नहीं नहीं, वो बिल्कुल भारत रत्न ही है और भारत रत्न जहाँ तक मेरे डिमांड करने की बात है तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार से गुजारिश करूंगा कि एक इतने महान फनकार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए और मैं लिखित रूप से भी इस चीज़ को आगे लाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कला है, कला अपने आप में एक निराली चीज़ होती है और ये लोगों को जोड़ने की चीज़ होती है और सीधे आपके दिलों को जोड़ती है। और एक इतने महान फनकार जिसको चाहने वाले हर धर्म के लोग और देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर दुनिया में भी लोग हैं और उनके चाहने वालों की हमेशा ये चाहत रहेगी कि एक दिन उन्हें भारत रत्न दिया जाए। इसलिए मैं भी आप लोगों के माध्यम से ही गुजारिश करूंगा सरकार से कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे फनकार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सर ये भी बात सामने आई है कि जिस तरह से बड़े प्रवक्ता होने के नाते एक बड़े फनकार भी आज लोगों के सामने नजर आए, वो आपने जो दो गाने के जो बोल थे वो गुनगुनाना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि ये तो पसंद है, मैंने कहा ये भी राजनीति के ही तरीके से उसको जोड़ के देख सकते हैं। मैंने एक लाइन गुनगुनाई थी कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया जी 100 बार शुक्रिया, हर हाल में तुम्ही को पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। चाहते थे लास्ट सवाल ये करना चाहूँगा, जिस तरह से पहली बार साकी टाइम्स ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनको किस तरह से शुभकामना दोगे? नहीं नहीं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं साकी टाइम्स को और साकी टाइम्स के एडिटर हमारे रिजवान सिद्दीकी साहब को, बहुत बढ़िया काम करते हैं वो। उनका अखबार भी बहुत अच्छा है, उनकी न्यूज़ की सेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खबरें बनाते हैं और वो म्यूज़िक के बहुत चहेते हैं और म्यूज़िक को प्यार वही करता है जिसका दिल साफ होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कला है संगीत जो सीधे आपके दिलों को जोड़ती है। और ऐसे हमारे रिजवान भाई बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करते हैं। मैं अपनी ढेर सारी उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और उनसे ये भी कहता हूँ कि जब कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े, उन्हें जिस लायक मुझे समझेंगे मेरे पास आएंगे, मैं हर तरह से उनके साथ खड़ा रहूँगा। थैंक यू। के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब को साकी टाइम्स के माध्यम से याद किया गया, किस तरह से आपकी पार्टी की तरफ से और रिजवान भाई को क्या शुभेच्छा दोगे और किस तरह से श्रद्धांजलि दोगे? मैं मोहम्मद रफ़ीक साहब को दिल से श्रद्धांजलि दूंगा और इसलिए क्योंकि रफ़ीक साहब एक ऐसी हस्ती है आवाज़ की दुनिया की जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। मैं तो कहूँगा वो हमारे देश के भारत रत्न हैं, उनको अच्छी तरीके से उनका सेलिब्रेट होना चाहिए, सरकार की भी तरफ से ऐसी कुछ योजनाएं लाना चाहिए और उनके नाम से भी कुछ ऐसी चौक और ऐसी चीज़ें सरकार की तरफ से बनना चाहिए, क्योंकि रफ़ीक साहब ने हमारे देश को एक अच्छी गंगा जमुनी तहजीब दी है, एक अच्छा संस्कार दिया है, एक आवाज़ हमारे रफ़ीक साहब की पूरे देश में पूरी दुनिया में आज सुनी जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि रफ़ीक साहब ऐसे हैं जो कई सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो मुझे इस चीज़ का दुख है, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इस चीज़ का दुख है कि आज रफ़ीक साहब को ना सुन सकते ना देख सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस पुण्यतिथि के मौके पे हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। साकिम टेस्ट के जरिए से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है रफ़ीक साहब, किस तरह से पार्टी के
जिला अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी का एक सहनशील कार्यकर्ता के नाते किस तरह से श्रद्धांजलि दोगे? मोहम्मद रफ़ी तो अपने आप में एक बहुत बड़े फनकार है। आज इतने साल होने के बाद 1980 के आसपास उनकी देहांत हो गया, उसके बाद में आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। और मुझे लगा अभी 12:30 बज गए हैं लेकिन फिर भी पूरा ऑडिटोरियम फुल है। मुझे लगता है इससे मालूम पड़ता है कि एक अलग आवाज़ और हर तरीके के गाने गाए, यानी कोई सीरियस ही गाने गाने वाला व्यक्ति नहीं है, अलग ही तरीके से है। तो मुझे लगता है आज हमने बहुत एंजॉय किया। पूरा दिन काम करते रहते हैं, भागदौड़ होती रहती है, बहुत स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस बस्टर जिसको कह सकते हैं, ऐसे गाने थे। और मुझे लगता है ऐसे लोग बार बार नहीं होते, ये कभी कभार जन्म लेते हैं और उनको ही बाकी लोगों ने फॉलो करना, इस तरह का उनका कैरेक्टर होता है। मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, खुद पहले जानकारी लूँगा उसके बारे में बात करूँगा। नहीं, अगर आप बोलते हैं उस बात अगर सच है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और ऐसे लोगों की जो यादगार यादें हैं वो ऐसी चीज़ों से आती है, बहुत लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, तो उसका उचित सम्मान होना चाहिए। आपने ये बात हमारे ध्यान में लाई है, सही लोगों तक इस बात को पहुँचाएँगे और आगे इस तरह की बातें ना हों इसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए शाकिब टाइम्स का जो आज इन्होंने प्रोग्राम रखा है मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। और इसको देखते हुए हमें रफ़ी साहब की यादें वापस से लौट आई है, लोगों में उत्साह महसूस हुआ है, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि रफ़ी साहब आज भी हमारे साथ मौजूद है। जी, महिला एकता सुरक्षा फाउंडेशन की तरफ से मैं भरपूर श्रद्धांजलि अर्पित करूँगी हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब को। उसका लुत्फ लेने का वो एक मौका दिए और साथ साथ उन वो जो हस्ती है उनको याद करने का मालूमी के जनता को उन्होंने मौका दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद।